Welcome to Online Study at QES. स्वागत है आपका फिर से एक बार QES टेक्निकल एकेडमी में, और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडीज एट QES। दोस्तों, हमारे पुराने वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं हमारे पुराने वीडियोस। और जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि लोको पायलट के सेकंड स्टेज के सिलेबस में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग करके एक टॉपिक है, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है। इससे पहले हम लोग दो लेक्चर्स दे चुके हैं इस पर, अगर आप उन लेक्चर्स को दोबारा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप पा जाएंगे उसको, आप लिंक में टैप करके उन लेक्चर्स को दोबारा देख सकते हैं। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो दोस्तों, प्रोजेक्शन का क्या मतलब है एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं। प्रोजेक्शन को बेसिकली कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। हम जो भी चीज देखते हैं, हमारी आंखों से किरणें निकलती हैं, वो किरणें उस ऑब्जेक्ट से भेदते हुए आगे की तरफ बढ़ती हैं दोस्तों, और उन्हीं किरणों को हम लोग एक स्क्रीन पर या शीट पर बनाते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम अपने सामने रखेंगे तो हमारी लाइन ऑफ साइट यानी कि जो हमारी आंखों से किरणें निकल रही हैं, वो उस ऑब्जेक्ट से होते हुए आगे की तरफ बढ़ती हैं। इसी को हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं। और इस प्रोजेक्शन को जब हम लोग किसी शीट पर या स्क्रीन पर बना देते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम ये देख लें कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कितने व्यूज बन सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये डस्टर है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डस्टर के कितने व्यूज बन सकते हैं, तो दोस्तों इसके 6 व्यूज बन सकते हैं, 6 व्यूज बन सकते हैं। कौन कौन से व्यूज हो सकते हैं? फ्रंट व्यू, रेयर व्यू जो पीछे से दिख रहा है, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, राइट साइड व्यू और लेफ्ट साइड व्यू। तो दोस्तों 6 व्यूज कौन कौन से हो रहे हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। फ्रंट व्यू, रेयर व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, राइट साइड व्यू, लेफ्ट साइड व्यू। तो टोटल 6 व्यूज हो सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम इन व्यूज को किस क्वाड्रेंट में या इस ऑब्जेक्ट को किस क्वाड्रेंट में रखकर देख रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, उन चारों में से किसी एक क्वाड्रेंट में हम इस ऑब्जेक्ट को रख के देख रहे हैं। अब जब हम इस ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख रहे हैं, तो जो एंगल होता है दोस्तों, इससे पहले की वीडियोस में आपने टाइटल ब्लॉक पढ़ा था, टाइटल ब्लॉक के बारे में समझा था, उसमें एक कॉलम था, एक पार्ट था जहां पर कि आप सिंबल लिखते हैं। सिंबल में दोस्तों आता है कि प्रोजेक्शन जो बनाया जा रहा है वो किस एंगल में बनाया जा रहा है। तो प्रोजेक्शन हम लोग मान लीजिए कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है ऑब्जेक्ट, तो कहलाएगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। क्या कहलाएगा दोस्तों? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कब कहलाएगा? जब ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है। इसी तरीके से अगर ये ऑब्जेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट में हम अज्यूम करते हैं, तो फिर जो प्रोजेक्शन बनेगा वो बनेगा सेकंड एंगल प्रोजेक्शन। अगर ये ऑब्जेक्ट हम थर्ड क्वाड्रेंट में मान के चलते हैं, तो फिर जो एंगल बनेगा वो बनेगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अगर ये ऑब्जेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में रखा है, तो फिर एंगल बनेगा फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। दोस्तों, अभी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस किस एंगल में हम लोग प्रोजेक्शन बना सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम पहुंचे कि किस क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक उदाहरण देना चाहूंगा। दोस्तों, यहां पर मैं 4 अलग अलग क्वाड्रेंट बनाना चाहूंगा, 4 अलग अलग क्वाड्रेंट यहां पर हम लोग बनाते हैं। मान लीजिए दोस्तों, अभी मैं पहला क्वाड्रेंट बनाता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाता हूं मैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये बन गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ऑब्जेक्ट रखा है दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग यहां पर रख रहे हैं। मान लीजिए कि ये डस्टर मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा,
अब अगर मैंने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रखा है तो दोस्तों जरा पोजीशन देखिएगा, आप लोग ऑब्जर्वर हैं, आप लोग ऑब्जर्वर हैं, ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों, और ये जो पार्ट है ये स्क्रीन है, ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन। तो देखिए दोस्तों, ऑब्जर्वर जब प्रोजेक्शन करेगा, लाइन ऑफ साइट आएगी तो उसका प्रोजेक्शन यहां स्क्रीन पर बनेगा। तो इस केस में आप अगर ध्यान दें तो ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट, उसके बाद स्क्रीन है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहलाएगा दोस्तों, ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। और इस केस में जो प्रोजेक्शन बनेगा वो इस वाले प्लेन पर बनेगा दोस्तों। इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्टिकल प्लेन। अगर हम इस ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू बनाएंगे तो दोस्तों टॉप व्यू बनेगा यहां पर, ऊपर से देखने पर यहां पर प्रोजेक्शन बनेगा इस पार्ट पर, और ये पार्ट कहलाएगा दोस्तों हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या कहलाएगा दोस्तों? हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि जब हम कोई 3D ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन बनाएंगे तो वो 2D में बनाएंगे, क्योंकि शीट जो होगी वो तो 2D में बन सकती है। तो ये थर्ड एंगल जो बनेगा, मतलब ये फर्स्ट एंगल में जो प्रोजेक्शन बना रहे हैं, इसको जब हम लोग टॉप व्यू बनाएंगे तो ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आ रहे हैं। अब ये हम लोग शीट पर कैसे बनाएंगे? इसके लिए दोबारा वही बात करेंगे, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने कहा है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यानी कि ये वाला प्लेन है, इसको आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो अब ये बन गया 2D, अब ये बन गया 2D। तो देखिए ध्यान से जरा, यहां पर है वर्टिकल प्लेन, यहां पर है हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन दोनों प्लेन को जो डिवाइड कर रही है लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस लाइन, और इसको हम लोग एक्स वाई से डिनोट करते हैं, एक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं इसको। तो देखिए जरा ध्यान से, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, इस रेफरेंस लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू बन रहा है, इस रेफरेंस लाइन के नीचे टॉप व्यू बन रहा है, और ये है रेफरेंस लाइन। तो इस चीज को एक बार मैं आपको बोर्ड पर भी लिख के बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं, किसकी? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की, तो उस केस में जो हमारा फ्रंट व्यू बनेगा दोस्तों, एक बात मैं बता दूं कि फ्रंट व्यू को एलिवेशन भी कहा जाता है और टॉप व्यू को प्लान भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हो गई हमारी रेफरेंस लाइन, जिसको कि हम लोग एक्स और वाई से डिनोट कर रहे हैं, इसके ऊपर बन रहा है फ्रंट व्यू और इसके नीचे बन रहा है टॉप व्यू। तो दोस्तों ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, जहां पर रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा फ्रंट व्यू और रेफरेंस लाइन के नीचे बनेगा टॉप व्यू, ये है हमारी रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन को डिवाइड करती है दोस्तों, ये है वर्टिकल प्लेन, ये हो गया वर्टिकल प्लेन और ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो दोस्तों रेफरेंस लाइन के ऊपर है वर्टिकल प्लेन और रेफरेंस लाइन के नीचे है हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक बात मैं आपको यहां पर फिर से बता दूं कि ध्यान रखिए, फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन पर ही बनाया जाता है, चाहे वो फर्स्ट एंगल हो, सेकेंड एंगल हो, थर्ड एंगल हो या फोर्थ एंगल हो। इस बात को नोट कर लीजिए कि फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन पर ही बनाया जाता है और टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही बनाया जाता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की। तो दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये बन गया सेकेंड क्वाड्रेंट। इधर दोस्तों इस तरफ है फर्स्ट क्वाड्रेंट और इधर है सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जर्वर इस तरफ है, यानी कि मेरे राइट हैंड साइड में ऑब्जर्वर है, बीच में स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यानी कि जब इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो ऑब्जर्वर को यहां पर इस पार्ट पर स्क्रीन पर इमेज बनेगी। अब टॉप व्यू जो है वो इस पार्ट पर बनेगा,
जैसे कि आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया गया। अब क्या परेशानी हुई दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं कि फ्रंट व्यू यहां पर है और टॉप व्यू यहां पर है, और जब हमने इसको रोटेट किया तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक ही जगह पर आ गया, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक ही जगह पर आ गया। इसका मतलब सेकेंड एंगल में प्रोजेक्शन नहीं बना सकते, सेकेंड एंगल में प्रोजेक्शन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि सेकेंड एंगल में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ओवरलैप्स, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों एक ही जगह पर आ गए, इसलिए यहां पर प्रोजेक्शन नहीं बना सकते। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं थर्ड एंगल की तरफ। तो जब दोस्तों थर्ड एंगल की तरफ जाएंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगेन ये है वर्टिकल प्लेन, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक प्लेन यहां पर है, एक प्लेन यहां पर है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब हम लोग थर्ड में है, यहां पर अगेन ऑब्जर्वर मेरे राइट हैंड साइड में है, ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, ये दोस्तों मान के चलिए ट्रांसपेरेंट शीट है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इस जगह पर, इस प्लेन पर इमेज बन जाएगी इसकी, फ्रंट व्यू बन जाएगी और यहां पर बन जाएगी टॉप व्यू। अगेन हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन को यानी कि इस वाले प्लेन को 90 डिग्री रोटेट करेंगे, क्या होगा दोस्तों, रेफरेंस लाइन के नीचे वर्टिकल प्लेन पर फ्रंट व्यू आया, रेफरेंस लाइन के ऊपर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर टॉप व्यू आया। तो दोस्तों एक बार हम लोग बना लेते हैं इसको। अगर हम लोग बात करें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं अगर हम लोग, तो क्या होगा, रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन हो गया दोस्तों, रेफरेंस लाइन के ऊपर है टॉप व्यू, किस पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर क्या है, टॉप व्यू, और रेफरेंस लाइन के नीचे क्या है, फ्रंट व्यू, रेफरेंस लाइन के नीचे क्या है, फ्रंट व्यू, किस पर, वर्टिकल प्लेन पर। तो अगर आप ध्यान दें फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में क्या डिफरेंस आता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन के ऊपर बन रहा है और टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के नीचे बन रहा है, जबकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन के नीचे बन रहा है और टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के ऊपर बन रहा है। ये डिफरेंस है फ्रंट फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में, क्या डिफरेंस है, फ्रंट व्यू फर्स्ट एंगल में रेफरेंस लाइन के ऊपर जबकि थर्ड एंगल में रेफरेंस लाइन के नीचे, टॉप व्यू फर्स्ट एंगल में रेफरेंस लाइन के नीचे जबकि थर्ड एंगल में टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के ऊपर। दोनों ही केस में आप ये देखिए दोस्तों, फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पर ही बन रहा है, फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पर, टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप अगर ध्यान दें तो इस तरीके से है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट, यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ऑब्जेक्ट रखा है, इधर राइट हैंड साइड में मेरे ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, फ्रंट व्यू बनेगा यहां पर वर्टिकल प्लेन पर, टॉप व्यू बनेगा यहां पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। अब दोस्तों मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री रोटेट कर दिया, फिर से क्या परेशानी आई दोस्तों, फिर से वही परेशानी आई कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों एक ही जगह पर आ गए, यानी दोबारा से क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक आ रहा है, इसलिए हम लोग फोर्थ एंगल में या फोर्थ क्वाड्रेंट में भी प्रोजेक्शन नहीं बनाएंगे। फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग कोई भी प्रोजेक्शन नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर भी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ओवरलैप करेंगे, यानी कि एक के ऊपर एक आएंगे, इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन बनाते हैं।
फ्रंट व्यू वो फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन बनाते हैं। अब जरा एक चीज और देखिएगा दोस्तों, एक और प्लेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाइल प्लेन। हम लोग बोलते हैं प्रोफाइल प्लेन। प्रोफाइल प्लेन को हम लोग अगर आम भाषा में बोले तो वो है साइड प्लेन, यानी कि साइड व्यू प्लेन। अगर हम लोग बात करें दोस्तों फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की, तो मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर इधर है और इसका राइट साइड व्यू देखना है। कौन सा व्यू? राइट साइड व्यू, यानी कि इधर वाला व्यू देखना है। तो ऑब्जर्वर इधर खड़ा होगा, ये ऑब्जेक्ट है तो प्रोजेक्शन कहां बनेगा? इधर। प्रोजेक्शन कहां बनेगा? इधर। अब मैं घूम गया 90 डिग्री, तो आप जरा देखिए इस जगह पर वर्टिकल प्लेन पर यहां पर फ्रंट व्यू बना है और फ्रंट व्यू के लेफ्ट में आ रहा है राइट साइड व्यू। फ्रंट व्यू के लेफ्ट में आ रहा है राइट साइड व्यू। और अगर हम लोग इसका राइट साइड व्यू लेफ्ट साइड व्यू बनाना चाहेंगे, यानी इधर से देखना चाहेंगे, तो प्रोजेक्शन बनाएंगे इधर। 90 डिग्री रोटेट करने के बाद फ्रंट व्यू के राइट में बन रहा है लेफ्ट साइड व्यू, उल्टा बन रहा है। दोस्तों एक बार मैं इस चीज को आपको बता देना चाहूंगा कि अगर हम लोग बात करते हैं साइड व्यू की तो क्या बनता है, जरा देखते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में साइड व्यू बनाते हैं तो जरा देखिएगा क्या बनता है। ये हो गया आपका रेफरेंस लाइन, यहां पर आ गया आपका फ्रंट व्यू, यहां पर आ गया टॉप व्यू। फ्रंट व्यू के राइट में बनेगा लेफ्ट साइड व्यू और फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बनेगा राइट साइड व्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बन रहा है, फ्रंट व्यू के राइट में बन रहा है लेफ्ट साइड व्यू, फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बन रहा है राइट साइड व्यू। इसी तरीके से अगर हम लोग थर्ड एंगल की बात करें तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ये रेफरेंस लाइन हो गया, रेफरेंस लाइन के नीचे है फ्रंट व्यू, रेफरेंस लाइन के ऊपर है टॉप व्यू। अब जरा ध्यान दीजिएगा फ्रंट व्यू के राइट में, फ्रंट व्यू के राइट में बनेगा राइट साइड व्यू, फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बनेगा लेफ्ट साइड व्यू। दोस्तों ये एक और डिफरेंस है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बीच में। अगर आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो उस केस में राइट साइड व्यू ऑब्जेक्ट का लेफ्ट में बन रहा है, किसके लेफ्ट में? फ्रंट व्यू के लेफ्ट में, और लेफ्ट साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट साइड में बन रहा है। जबकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू के लेफ्ट में ही लेफ्ट साइड व्यू, फ्रंट व्यू के राइट में ही राइट साइड व्यू बन रहा है। तो दोस्तों हमने यहां पर क्या देखा कि प्रोजेक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ दो क्वाड्रेंट में या दो एंगल में बनाया जा सकता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि यहां पर फर्स्ट एंगल को और थर्ड एंगल को हम लोग सिंबल से डिनोट करते हैं, सिंबल बनाते हैं दोस्तों, इसका टाइटल ब्लॉक में इसका सिंबल बनता है। तो जब हम लोग सिंबल की बात करेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पर बना लिया। हाँ, तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये मैंने यहां पर बनाया है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल और यहां पर है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल। एक बार ध्यान देके देखते हैं, ये जो पार्ट मैंने बनाया है ये है ऑब्जेक्ट। ये क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट। ये जो पार्ट है ये है ऑब्जर्वर, ये है ऑब्जर्वर। अब देखिएगा ऑब्जर्वर, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद ये स्क्रीन है। तो यहां पर जब हम लोग इसको देखेंगे तो इसका प्रोजेक्शन क्या बनेगा? एक ये छोटा वाला हिस्सा बनेगा सर्कुलर फॉर्म में और एक ये बड़ा वाला हिस्सा बनेगा सर्कुलर फॉर्म में। दोस्तों यहां पर जो मैंने ऑब्जेक्ट लिया है ये मैंने फ्रस्टम ऑफ कोन लिया है, यानी कि एक कोन का हिस्सा लिया है मैंने यहां से काटने के बाद, जो कि दोस्तों बाल्टी के शेप में होगा। किसके शेप में? बाल्टी के शेप में। इस तरीके से ये मैंने एक फ्रस्टम लिया है, ठीक है दोस्तों।
तो इसका छोटा वाला जो डायमीटर है वो ऑब्जर्वर की तरफ है और बड़ा वाला जो डायमीटर है वो स्क्रीन की तरफ है। तो जब हम लोग इसको देखेंगे तो एक छोटा सर्किल दिखाई देगा और एक बड़ा सर्किल दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट, उसके बाद स्क्रीन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में यही हम लोगों का पैटर्न रहता है, सबसे पहले ऑब्जर्वर होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद स्क्रीन होता है। तो ये हो गया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल। अगर इसी ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमा के रख दिया जाए दोस्तों, जैसे कि ये रखा है, तो यहां से देखने पर ये बड़ा वाला सर्किल तो दिखाई देगा लेकिन छोटा वाला सर्किल छुप जाएगा, जो कि दिखाई नहीं देगा। तो हमने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा था कि जो चीज दिखाई नहीं देती है मगर है वहां पर, उसको हम लोग हिडन लाइन से बनाते हैं। और हिडन लाइन दोस्तों होता है डॉटेड लाइन। तो देखिए, मैंने अंदर वाले सर्किल को डॉटेड सर्किल से बनाया है, डॉटेड लाइन से बनाया है। इसका मतलब ये दोनों ही फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के सिंबल्स हैं। अब अगर हम लोग बात करें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की दोस्तों, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या पैटर्न रहता है? सबसे पहले ऑब्जर्वर, उसके बाद स्क्रीन और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए दोस्तों, ऑब्जर्वर, स्क्रीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब यहां से देख रहे हैं तो ये छोटा वाला सर्किल दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये बड़ा वाला सर्किल दिखाई दे रहा है। तो ये हमने बनाया थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल। अगर इस फ्रस्टम को पलट के रख दें, यानी छोटा वाला एंड इधर और बड़ा वाला एंड इधर रख देंगे, तो इधर से देखने पर हमें छोटा वाला सर्किल दिखाई नहीं देगा। तो हमने अंदर वाले सर्किल के लिए बनाया है डॉटेड लाइन से, यानी कि ये हिडन लाइन से बना हुआ है। तो दोस्तों, ये दोनों ही चीज आपको समझ में आ गई होंगी। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल। तो दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। दोस्तों, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि पॉइंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ए से। और इसमें एक खास बात यह है कि फ्रंट व्यू को दिखाने के लिए हम लोग ए डैश का इस्तेमाल करते हैं और टॉप व्यू को दिखाने के लिए सिर्फ ए का इस्तेमाल करेंगे। ए के अलावा आप बी से, सी से, डी से, ई से, किसी से भी दिखा सकते हैं, मगर अगर आप फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं तो फ्रंट व्यू के साथ डैश आता है और टॉप व्यू के साथ डैश नहीं आता है। तो अब हम लोग देखेंगे अलग अलग पोजीशन पर हम लोग पॉइंट्स को कैसे कैसे रख सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि एक पॉइंट है ए, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है। किस में रखा है दोस्तों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट रखा हुआ है तो इसका मतलब यहां पर इस तरीके से एक पॉइंट रखा होगा यहां पर। तो अब दोस्तों, इसका फ्रंट व्यू कहां बनेगा? यहां वर्टिकल प्लेन पर। और टॉप व्यू कहां बनेगा? यहां हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। इसको जब हम लोग 90 डिग्री रोटेट कर देंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन को, तो रेफरेंस लाइन के ऊपर आ गया फ्रंट व्यू, रेफरेंस लाइन के नीचे आ गया टॉप व्यू। दोस्तों, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर हम लोग किसी पॉइंट को प्रोजेक्ट करना चाहें तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो गया रेफरेंस लाइन एक्स वाई। मान लीजिए कि पॉइंट जो है यहां पर है और इसका प्रोजेक्शन हम लोग लेंगे नीचे। ये हो गया इसका टॉप व्यू। तो क्योंकि ये फ्रंट व्यू है तो इसको हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको बिना डैश के रिप्रेजेंट करेंगे। ये रेफरेंस लाइन, फ्रंट व्यू, रेफरेंस लाइन के ऊपर यहां पर टॉप व्यू, रेफरेंस लाइन के नीचे। क्यों? क्योंकि हम लोग यहां पर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इसको बना रहे हैं। अब अगर यही पॉइंट हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाते हैं, अगर यही पॉइंट थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाते हैं तो किस तरीके से बनेगा? कुछ ऐसे बनेगा। यानी पॉइंट है इस वक्त यहां पर, ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, तो इस जगह पर बनेगा फ्रंट व्यू, यानी कि वर्टिकल प्लेन पर बनेगा फ्रंट व्यू, और यहां पर टॉप व्यू, यहां से टॉप व्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम लोग इसको 90 डिग्री रोटेट कर देंगे ऊपर, तो टॉप व्यू आ गया ऊपर और फ्रंट व्यू आ गया नीचे। अगर इसी पॉइंट को हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दिखाना होता तो कैसे दिखाते?
ये होता फ्रंट व्यू और ये होता यहां पर टॉप व्यू, यानी ये हो गया थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन के नीचे बनता है दोस्तों, और टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के ऊपर बनता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उसको जो है यहां पर बनाते हैं। मान लीजिए कि एक पॉइंट है जो कि रेफरेंस लाइन से या हॉरिजॉन्टल प्लेन से, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन लेते हैं, अ पॉइंट 40 mm अबव एचपी एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। दोस्तों यहां पर एचपी है हॉरिजॉन्टल प्लेन और वीपी है वर्टिकल प्लेन। सबसे पहले अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम यह समझते हैं कि यह किस क्वाड्रेंट में रखा हुआ है। तो दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, इसने कहा है 40 mm अबव एचपी। हम लोग जहां पर खड़े हैं ये एचपी है और ये जो बोर्ड है ये वीपी है। तो इसने कहा है एचपी से 40 mm ऊपर और वीपी से 30 mm आगे, इन फ्रंट ये मींस आगे, एचपी से 40 mm ऊपर और वीपी से 30 mm आगे। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि एचपी से ऊपर या एचपी से नीचे की जो डिस्टेंस होती है वो हमें फ्रंट व्यू बनाने में मदद करती है। एचपी से ऊपर या एचपी से नीचे, इससे हमें क्या मदद मिलेगी? फ्रंट व्यू बनाने की मदद मिलेगी। यानी कि रेफरेंस लाइन से जितना ऊपर या जितना नीचे हमें पॉइंट दे रखा है उतना ही ऊपर या उतना ही नीचे हम लोग फ्रंट व्यू बनाएंगे। यानी कि अगर मैं आपको सीधे सीधे लैंग्वेज में बोलूं, डिस्टेंस अबव और बिलो एचपी गिव्स द आइडिया ऑफ फ्रंट व्यू फ्रॉम रेफरेंस लाइन। दोस्तों क्या मतलब हुआ इसका? एचपी से ऊपर या एचपी से नीचे जो लेंथ हमें दे रखी होगी उतने ही ऊपर या उतने ही नीचे हमारा फ्रंट व्यू बनेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग वीपी की बात करें, वीपी की अगर बात करें तो क्या होगा दोस्तों? डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड, बिहाइंड का मीन्स दोस्तों पीछे, बिहाइंड वीपी गिव्स द आइडिया ऑफ टॉप व्यू। क्या मतलब हुआ दोस्तों इसका? अगर कोई डिस्टेंस हमें दी है कि इन फ्रंट ऑफ वीपी यानी वीपी के आगे या वीपी के पीछे, इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो टॉप व्यू बनेगा वो रेफरेंस लाइन से कितना आगे या कितना पीछे बनेगा। तो दोस्तों जैसे कि इसमें कहा है अ पॉइंट 40 mm अबव एचपी, मींस एचपी से 40 mm ऊपर, तो ये लेंथ हमें क्या देगी? फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर बनेगा? फ्रंट व्यू 40 mm ऊपर बनेगा। एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी से 30 आगे, तो टॉप व्यू कितना आगे बनेगा? 30 mm आगे बनेगा। तो इसका अगर हम लोग प्रोजेक्शन बनाएं फर्स्ट एंगल में तो क्या हो जाएगा? फ्रंट व्यू बनेगा 40 mm ऊपर, तो रेफरेंस लाइन से 40 mm ऊपर फ्रंट व्यू और इन फ्रंट ऑफ वीपी कितना दिया है दोस्तों? 30, यानी टॉप व्यू बनेगा 30 mm आगे। तो 30 mm आगे जब हम इस प्लेन को 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो ये बन जाएगा
30 mm नीचे, रेफरेंस लाइन से 30 mm नीचे। तो ये डिस्टेंस हो गई दोस्तों 40 mm और ये डिस्टेंस हो गई दोस्तों 30 mm। क्योंकि ये फ्रंट व्यू है इसको हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, और क्योंकि ये टॉप व्यू है इसको हम लोग सिर्फ ए से डिनोट करेंगे। तो दोस्तों ये हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें हमने फर्स्ट एंगल में बनाया एक क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं इसी को थर्ड एंगल में, एक क्वेश्चन लेते हैं थर्ड एंगल में। तो थर्ड एंगल के लिए हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक पॉइंट है जो कि 40 mm बिलो एचपी है। क्या है दोस्तों? बिलो यानी कि नीचे, 40 mm बिलो एचपी एंड 30 mm बिहाइंड वीपी, 30 mm बिहाइंड वीपी मींस एक ऐसा पॉइंट जो कि 40 mm एचपी से नीचे है और 30 mm वीपी के पीछे है। तो जरा देखिए दोस्तों, एचपी से नीचे और वीपी के पीछे, तो ये कहां पर बन रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है। कहां पर बन रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की अगर आप पोजीशन देखेंगे तो क्या होगी, जरा देखिएगा थर्ड क्वाड्रेंट की पोजीशन, 40 mm बिलो एचपी, एचपी से 40 mm नीचे एंड 30 mm बिहाइंड वीपी, वीपी से 30 mm पीछे। तो दोस्तों ये कहां पर बन रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये बन रहा है तो हम इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, जरा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? एक रेफरेंस लाइन। ये रेफरेंस लाइन बना लिया दोस्तों हमने। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको कहा था कि 40 mm बिलो एचपी, तो एचपी से 40 mm नीचे यानी कि फ्रंट व्यू हमें कहां दिखाई देगा? रेफरेंस लाइन से 40 mm नीचे एंड 30 mm बिहाइंड वीपी, तो टॉप व्यू हमें कहां दिखाई देगा? वीपी से 30 mm पीछे। जब इसको हम लोग 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यहां पर आ गया हमारे पास टॉप व्यू। तो ये क्योंकि फ्रंट व्यू है तो इसको डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये टॉप व्यू है तो इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये लेंथ हो जाएगी हमारी 30 mm और ये लेंथ हो जाएगी हमारी 40 mm, क्योंकि इसमें कहा था 40 mm बिलो एचपी, तो ये हो गया 40 mm, और इसमें कहा था 30 mm बिहाइंड वीपी, तो ये हो गया 30 mm। तो दोस्तों ये था फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, अलग अलग जगह पर हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में हमने इस पॉइंट को बनाया। यहां पर कुछ चीजें जो नोट करने लायक है वो मैं आपको नोट करवाता हूं, जो कि प्रोजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहां पर हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहेंगे जो कि प्रोजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है, फ्रंट व्यू इज ऑलवेज प्रोजेक्टेड ऑन वर्टिकल प्लेन। दोस्तों किसी भी एंगल में आप कोई भी प्रोजेक्शन बना रहे हैं, फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन पर ही बनाया जाएगा। टॉप व्यू इज ऑलवेज प्रोजेक्टेड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। दोस्तों आप चाहे फर्स्ट एंगल में प्रोजेक्शन बना रहे हैं या थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन बना रहे हैं, टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही बनाया जाएगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बनता है और लेफ्ट साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट में बनता है। उल्टा बनता है दोस्तों, राइट साइड व्यू लेफ्ट में बनेगा, किसके लेफ्ट में? फ्रंट व्यू के लेफ्ट में, और लेफ्ट साइड व्यू राइट साइड में बनेगा, किसके राइट साइड में? फ्रंट व्यू के। फोर्थ पॉइंट कुछ इस तरीके से है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड व्यू राइट में ही बनेगा फ्रंट व्यू के, और लेफ्ट साइड व्यू लेफ्ट में ही बनेगा फ्रंट व्यू के, यानी कि राइट साइड वाला व्यू राइट साइड में बनेगा फ्रंट व्यू के, लेफ्ट साइड वाला व्यू लेफ्ट साइड में बनेगा फ्रंट व्यू के। फ्रंट व्यू को हम हमेशा एक डैश बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं,
जो भी पॉइंट हम लिख रहे हैं उसके ऊपर अगर डैश बना है, अगर मान लीजिए कि इस तरीके से ई लिखा हुआ है और उसके ऊपर डैश बना है, इसका मतलब ये फ्रंट व्यू प्रदर्शित कर रहा है, फ्रंट व्यू बता रहा है। साइड व्यू इज प्रोजेक्टेड ऑन प्रोफाइल प्लेन। जो दोस्तों हम लोग राइट साइड व्यू या लेफ्ट साइड व्यू बनाते हैं, इसको हम लोग प्रोफाइल प्लेन पर बनाते हैं, इसको हम लोग प्रोफाइल प्लेन पर बनाते हैं। जिसको आप साइड व्यू जिस पर बनाते हैं वो प्रोफाइल प्लेन या साइड प्लेन भी कह सकते हैं। पॉइंट वेयर द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग कॉल्ड सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। दोस्तों हम ऑब्जर्वर को जहां पर मान रहे हैं कि ऑब्जर्वर जहां पर खड़ा है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। वहां से प्रोजेक्शन आ रहा है तो वो कहलाएगा सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। जैसे कि कोई बल्ब जल रहा है तो लाइट वहां से आ रही है तो वो बल्ब कहलाएगा सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। उसी तरीके से यहां ड्राइंग में जहां पर ऑब्जर्वर खड़ा होगा वो पॉइंट कहलाएगा सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कोई भी प्रोजेक्शन सेकेंड या फोर्थ एंगल में नहीं बनाई जा सकती क्योंकि यहां पर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ओवरलैप करते हैं सिर्फ पॉइंट को छोड़ के। दोस्तों हम लोग पॉइंट को सेकेंड में भी बना सकते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट को बना सकते हैं क्योंकि यहां पर इसका प्रोजेक्शन केवल एक पॉइंट होता है इसलिए बना सकते हैं। इसके अलावा लाइन का या सॉलिड का कोई भी प्रोजेक्शन हम सेकेंड एंगल में और फोर्थ एंगल में नहीं बना सकते क्योंकि ये यहां पर ओवरलैप करते हैं। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड जो पॉइंट के प्रोजेक्शन हमने आज पढ़े, इसी से रिलेटेड हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं दोस्तों कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर बन सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। ये क्वेश्चंस आप साइड में देख भी सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। द पॉइंट फ्रॉम विच द ऑब्जर्वर इज अज्यूम्ड टू व्यू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। यानी कि वो पॉइंट जहां से ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसको क्या कहेंगे। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शंस हैं सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर या व्यू पॉइंट। तो दोस्तों देखिए हम लोगों ने पॉइंट नंबर सेवन में इसको डिस्कस भी किया है कि वो पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड द ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी इन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अगर हम कोई प्रोजेक्शन बना रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट किस जगह पर रखा हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बहुत आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि जब हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में रखा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, प्रोजेक्शन लाइन इज। तो दोस्तों इससे पहले के वीडियो लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं कि प्रोजेक्शन लाइन किस तरीके की लाइन होती है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक में आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसको टैप करके उस लेक्चर को आप दोबारा देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर ऑब्जेक्ट है कंटिन्यूअस थिक लाइन, कंटिन्यूअस थिन लाइन, चेन थिन लाइन या डैश लाइन। तो दोस्तों कंटिन्यूअस थिन लाइन से हम लोग प्रोजेक्शन लाइन को बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा कंटिन्यूअस थिन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विल बी। अगर प्रोजेक्शन हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहे हैं तो फ्रंट व्यू कहां पर होगा, फ्रंट व्यू इन वीपी, फ्रंट व्यू इन एचपी, फ्रंट व्यू इन प्रोफाइल प्लेन या नन। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको बता ही दिया है कि फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन पर ही बनता है, फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन पर बनेगा, चाहे वो फर्स्ट एंगल हो, चाहे वो थर्ड एंगल हो, चाहे वो सेकंड एंगल हो, चाहे वो फोर्थ एंगल हो, किसी भी एंगल में हो फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन पर ही बनेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रंट व्यू इन वर्टिकल प्लेन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
अगर हम लोग किसी पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहे हैं तो इसके लिए क्या क्या हो सकता है? टॉप व्यू इन वीपी, टॉप व्यू वीपी पर बन सकता है। टॉप व्यू इन एचपी, टॉप व्यू एचपी पर बन सकता है। टॉप व्यू इन प्रोफाइल प्लेन और नन। तो दोस्तों इसके लिए भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है, चाहे वो किसी भी एंगल में बनाए, फर्स्ट एंगल हो, सेकंड एंगल हो, थर्ड एंगल हो या फोर्थ एंगल हो, टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टॉप व्यू इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विल बी साइड व्यू इन वीपी। क्या अगर हम लोग प्रोजेक्शन बना रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइड व्यू क्या वीपी पर बन सकता है? नहीं बन सकता। साइड व्यू इन एचपी, साइड व्यू एचपी पर नहीं बन सकता। साइड व्यू इन पीपी प्रोफाइल प्लेन, तो दोस्तों यही ऑप्शन सही होगा, साइड व्यू इन प्रोफाइल प्लेन, क्योंकि साइड व्यू हमेशा प्रोफाइल प्लेन पर बनता है दोस्तों। और चौथा ऑप्शन है नन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा साइड व्यू इन प्रोफाइल प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन थर्ड क्वाड्रेंट विल बी, अगर प्रोजेक्शन हम थर्ड क्वाड्रेंट में बना रहे हैं तो इस केस में साइड व्यू इन वीपी, क्या साइड व्यू इसका वर्टिकल प्लेन पर बनेगा? नहीं बन सकता। साइड व्यू इन एचपी, क्या साइड व्यू इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगा? नहीं बन सकता। साइड व्यू इन प्रोफाइल प्लेन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, साइड व्यू प्रोफाइल प्लेन पर ही बनेगा। और चौथा ऑप्शन है नन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, साइड व्यू इन प्रोफाइल प्लेन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन थर्ड क्वाड्रेंट विल बी, अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में प्रोजेक्शन बना रहे हैं तो इनमें से क्या हो सकता है? टॉप व्यू अबव रेफरेंस लाइन, टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के ऊपर होगा। सेकेंड ऑप्शन है टॉप व्यू बिलो रेफरेंस लाइन, टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के नीचे होगा। टॉप व्यू इन एक्सपी, यानी कि टॉप व्यू इन रेफरेंस लाइन, नहीं हो सकता। और नेक्स्ट है नन, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टॉप व्यू अबव रेफरेंस लाइन। हमने ये शुरुआत में डिस्कस किया था कि अगर हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बना रहे हैं तो रेफरेंस लाइन के ऊपर होता है टॉप व्यू और रेफरेंस लाइन के नीचे होता है फ्रंट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विल बी, अगर हम लोग प्रोजेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बना रहे हैं तो क्या हो सकता है इनमें से? फ्रंट व्यू ऑन फ्रंट साइड, फ्रंट व्यू आगे की तरफ है, फ्रंट व्यू ऑन बैक साइड, फ्रंट व्यू पीछे की तरफ है, फ्रंट व्यू ऑन बोथ फ्रंट एंड बैक, और फ्रंट व्यू पीछे और आगे दोनों हो सकता है। तो दोस्तों ये तो हो नहीं सकता। और नेक्स्ट है नन, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा फ्रंट व्यू ऑन बैक साइड। जब आप देखेंगे फ्रंट व्यू, यहां से ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद स्क्रीन है, तो फ्रंट व्यू कहां बनेगा? बैक साइड बनेगा, पीछे की तरफ बनेगा, यानी कि स्क्रीन पीछे की तरफ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रंट व्यू ऑन बैक साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में प्रोजेक्शन बना रहे हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? राइट साइड व्यू ऑन राइट साइड ऑफ फ्रंट व्यू, राइट साइड व्यू ऑन राइट साइड ऑफ फ्रंट व्यू। सेकेंड ऑप्शन है राइट साइड व्यू ऑन लेफ्ट साइड ऑफ फ्रंट व्यू। नेक्स्ट ऑप्शन है राइट साइड व्यू ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड। और चौथा ऑप्शन है नन। तो दोस्तों यहां पर हम लोगों ने लिखा भी हुआ है कि अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग कोई प्रोजेक्शन बना रहे हैं तो राइट साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट में ही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, पहला ऑप्शन सही है, फ्रंट व्यू ऑन राइट साइड ऑफ फ्रंट व्यू, यानी राइट साइड के फ्रंट व्यू के राइट में ही बनेगा राइट साइड व्यू। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि रिलेटेड टू पॉइंट्स थे। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेके आएंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जो लेक्चर है ये आपके लिए काफी अच्छा रहा होगा, इससे आपको बहुत सी चीजें जानने को मिलेंगी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर टैप करके आप हमारे जितने भी अपडेट्स आएंगे उनको आप देख सकते हैं। और आगे के लिए हम आपके लिए लेके आएंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन।